घंटे में उड़ीसा के ऊपर आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का। सबसे अधिक वर्षा ढेंकनाल में 70 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर बात करें तो सोनपुर में 45.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया है। और लगभग मैनी प्लेसेस पे उड़ीसा में जो जो हीटवेव टू सीवियर हीटवेव रिपोर्ट हुई है, और मतलब जो भुवनेश्वर तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, कटक का 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। फिलहाल उड़ीसा के ऊपर कोई सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है। अगले पाँच दिन में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग बनी रहेगी, और हीटवेव की जो वार्निंग है वो भी 3 दिन के लिए है। रेनफॉल की बात करें तो आज जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंझर मयूरभंज बालासोर कंधमाल गंजम गजपति रायगढ़ कोरापुट मलकानगिरी और नवरंगपुर में स्कैटर डिस्ट्रीब्यूशन होने की संभावना है, और बाकी जगह उड़ीसा में 1-2 स्थान पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। डे वन में 19 तारीख को मयूरभंज बालासोर क्योंझर कोरापुट मलकानगिरी में गस्ती सर्व विंड स्पीड जो कि 40 से 50 km/h रह सकती है उसके लिए येलो वार्निंग दी गई है, और बाकी जगह पर जो आप देख रहे हैं येलो पोर्शन वहाँ थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग 1-2 स्थान पर होने की संभावना है, इसलिए येलो वार्निंग दी गई है क्योंकि तापमान बढ़ रहे हैं। और 18 तारीख को आज भी जो है जो उड़ीसा में जो तापमान के लिए स्कैटर प्लेसेस पे सीवियर हीट वेव होने की संभावना है, जिसके लिए जो सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बारगढ़ संबलपुर सोनपुर बुलांगीर देवगढ़ क्योंझर अनुगुल ढेंकना बोध कंधमाल नयागढ़ खुर्दा कटक ढेंकना इन डिस्ट्रिक्ट में ऑरेंज वार्निंग दी गई है, और बाकी आइसोलेटेड प्लेस पे हीट वेव होने के लिए येलो वार्निंग दी गई है। उनमें डिस्ट्रिक्ट शामिल है मयूरभंज जाजपुर कालाहांडी और नुआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट। 19 तारीख को कल को भी हीट वेव होने की संभावना है कुछ जगह, जिसमें अगर बात करें स्कैटर्ड डिस्ट्रीब्यूशन और ऑरेंज वार्निंग दी गई है सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा देवगढ़ संबलपुर बारगढ़ सोनपुर अनुगुल बोध कंधमाल और बोलांगीर में, और बाकी येलो वार्निंग दी गई है आइसोलेटेड प्लेस पे हीट वेव होने की संभावना के लिए, जिसमें मयूरभंज क्योंझर ढेंकनाल कटक खुर्दा नयागढ़ कालाहांडी और नुआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट शामिल है। 20 तारीख को भी थोड़ा हीट वेव का प्रभाव कम होगा, सिर्फ इंटीरियर उड़ीसा के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर येलो वार्निंग दी गई है आइसोलेटेड प्लेस हीट वेव होने के लिए, सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा देवगढ़ संबलपुर सोनपुर बारगढ़ बोलांगीर में। अगर हम बात करें टेम्परेचर की तो अगले 2 दिन तक टेम्परेचर में ज्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकने की संभावना है, उसके बाद धीरे धीरे तापमान जो है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जाने की संभावना है। फिर भी कई जगह पर उड़ीसा में जो तापमान है सामान्य से 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर बने रहने की संभावना है। कॉन्सिक्वेंटली 3 दिन तक लोगों को एडवाइस दिया जाता है कि जो वेदर हॉट और डिस्कम्फर्ट रहेगा इसके लिए जो प्रिकॉशनरी मेजर है वो लेते हुए चलें, अधिक से अधिक जल पिए और इन्फेंट एल्डरली सिक पीपल को बचा के रखें धूप से, और 11 से 3 बजे के बीच में हो सके तो बाहर ना निकला जाए। अगर बात है साउथ वेस्ट मानसून की तो साउथ वेस्ट मानसून अभी अगले 2 से 3 दिन तक धीरे धीरे कुछ पार्ट में साउथ पेंसिल इंडिया वेस्ट बंगाल झारखंड और बिहार के हिस्सों को कवर करेगा।